जीवन एक समय चक्र है, जीवन चलते रहने का नाम है, इसलिए जीवन को यात्रा या सफर भी कहते हैं। और सारे महान नायकों की महान कहानियां उनके सफर से ही बनती हैं। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो कभी रुकते नहीं, जैसे कि हवा, बादल, धरती, सूरज, सभी तो एक निरंतर सफर पे हैं। और सफर की शुरुआत ही होती है संघर्ष से, और यात्रा सपनों को सच करने से पूरी होती है। जैसे रानी जो फर्श से अर्श तक पहुंचने की चाह लिए संघर्ष से भरे पथ पर निरंतर बढ़ती जा रही है। रानी मिसाल है अपनी उम्र और तंगी से जूझ रही लड़कियों के लिए, जो घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने कौशल को पहचानने और निखारने से घबराती नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है रानी कुमारी, मेरा गांव का नाम है नौशटंगरा टोली। झारखंड की राजधानी से लगभग 32 किलोमीटर दूर नौज ठाकुर गांव में रानी का घर है। बुनियादी जरूरतों से वंचित इस छोटे से गांव में दो कमरे वाले घर में रानी अपनी माँ, पिताजी, दादा दादी और तीन बहनों के साथ यहाँ रहती हैं। तमाम बंदिशें और शर्तों के बावजूद रानी ने अपने हौसले और निष्ठा के दम पर 9वीं तक पढ़ाई पूरी की, लेकिन गरीबी ने उस बच्ची से उच्च शिक्षा का सपना छीन लिया। जिंदगी जब मुश्किलें पेश करे तो हार कर बैठ जाना सबसे आसान होता है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना तो कभी हारते हैं और ना कमजोर पड़ते हैं, वो उन मुश्किलों से लड़ते हैं और जीतते भी हैं। रानी के निराशा भरी जिंदगी में आशा की किरण तब दिखी जब उसे पता चला कि मुफ्त में सिलाई और कंप्यूटर की ट्रेनिंग मिल रही है। रानी उत्साहित थी, पर गांव से बाहर जाने के लिए घर वालों की मंजूरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार कंधों में घर की जिम्मेदारियां और आंखों में उम्मीद लिए रानी गांव से निकलकर शहर पहुंची। इस क्रम में रानी को सही दिशा दिखाते हुए साधारण से असाधारण और जुझारू बनाया SGRS अकेडमिक प्राइवेट लिमिटेड ने। नाउम्मीदी की बंजर जमीन को SGRS ने आशा और उम्मीद की हरियाली से भर दिया है। SGRS झारखंड कौशल विकास योजना के अंतर्गत अभी तक झारखंड में 5000 से अधिक युवक युवतियों ने तकनीकी हुनर का प्रशिक्षण लिया है। झारखंड के कई जिले जैसे रांची, पलामू, दुमका, गुमला, चतरा और लातेहार में SGRS के प्रशिक्षण केंद्र हैं, जहां से प्रशिक्षण लेकर युवक युवतियां अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों में सिलाई मशीन ऑपरेटर, प्लम्बर, स्मार्टफोन असेंबलिंग टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव वेल्डिंग मशीन ऑपरेटर। रानी की ट्रेनिंग रांची के खेलगांव रोड स्थित टाटी सिल्वे इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में बने ट्रेनिंग सेंटर से पूरी हुई। ट्रेनिंग सेंटर में रानी को घर जैसा माहौल मिला, जहां मुफ्त रहने और भोजन की सुविधा थी। यूनिफॉर्म, किताबें, कॉपी, स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराया गया। मेडिकल फैसिलिटीज की भी बहुत सहूलियत दी गई थी। शून्य से संपन्न तक के अपने संघर्ष में रानी ने साहस और मेहनत का परिचय दिया। 90 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान रानी को सिलाई मशीन और आधुनिक जगत के कई अन्य मशीनों की भी पूरी प्रशिक्षण मिली। रानी की जिंदगी में खुशियों ने तब दस्तक दिया जब उसे उसकी पहली नौकरी मिली। सबसे पहले तमिलनाडु में रानी को रोजगार का अवसर मिला। वहां 1.5 साल काम करने के बाद रानी ने वापस गांव आकर अपने घर के हालात को सुधारा और अपने माँ बाप का सहारा बनी। आज रानी रांची में ही काम कर रहे हैं। हमारे गांव में पहली बार बैंक लगा था SGRS कंपनी का। हम ट्रेनिंग लेने के लिए फिर चले गए। ट्रेनिंग 90 दिन का था। हमारा टाटी सिल्वे पे ट्रेनिंग सेंटर था। हम लोग का वहाँ पे हॉस्टल भी था, ट्रेनिंग सेंटर भी था और रहने के लिए सुविधा भी था। ट्रेनिंग सेंटर में दीपक सर थे और टीचर लोग थे। वहाँ पे हम लोग का
सिलाई का और कंप्यूटर का पूरा ट्रेनिंग दिया गया। वहाँ पे दो तरह का मशीन था, एक डोमेस्टिक था और दूसरा इलेक्ट्रिक मशीन। हम वहाँ पे दोनों मशीन सीखे। वहाँ पे हम लोग का हॉस्टल था, सारे सुविधा फ्री में। वहाँ पे हम लोग का तीनों टाइम का खाना फ्री मिलता था, रहने के लिए बेड भी मिला था। वहाँ पे हम लोग का क्या बोले 24 घंटा लाइट पानी हमेशा था, और क्या बोले वहाँ पे सुविधा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी था। वहाँ पे हम लोग हॉस्टल में थे, वहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा लगता था, अपना घर का जैसा लगता था। वहाँ मैम थे, वहाँ खाना बनाने वाला कुकिंग लोग भी थे, बहुत ही अच्छा लगता था। क्या बोले वहाँ का, यानी कि रहन सहन में हमको इधर आने का भी अपना खास मन भी नहीं करता था। वहाँ पे हम लोग का पढ़ाई भी होता था, थ्योरी क्लास भी होता था, प्रैक्टिकल भी होता था, प्लस में क्या बोलते हैं हम लोग ट्रेनिंग ले लिए। उसके बाद हम लोग त्रिपुर भी चले गए, त्रिपुर से काम करके आए। अभी हम लोग यहाँ पे रांची में रहते हैं, कुल्ही में किशोर स्पोर्ट पे, वहाँ पे काम करते हैं। मेरा वेतन है अभी 11.5 है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिलाई का ट्रेनिंग की वजह से। मैं धन्यवाद करती हूँ कंपनी SGRS कंपनी का दीपक सर। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश, मैं रानी का भाई हूँ। शुरू में हमें डर लग रहा था। SGRS कंपनी का आदमी आया हम लोग के पास और समझाया और ट्रेनिंग के लिए ले गया। उसके बाद 90 दिन का ट्रेनिंग हुआ, 3 महीना का। उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद त्रिपुर गई रानी काम करने, और वहां से आई। उसके बाद रांची स्पोर्ट कंपनी में काम कर रही है, और इसका इनकम भी बढ़ गया, और हम लोग का कमाई यानी वातावरण और रहन सहन भी चेंज हो गया। पहले कुछ और थे और अभी कुछ और है, और पहले इससे भी ख़राब मकान था, और कुछ चेंज हो रहा है। आगे दिन में रानी बोल रही है पक्का मकान बनाएंगे वही कमाई से। और टाटी सिल्वर में ट्रेनिंग ली, उसके बाद काम स्टार्ट किया। और मैं चाहता हूँ पूरे गांव वालों को कि और भेजें और काम लें और इसे इनकम बढ़ावें। SGRS कंपनी धन्यवाद। वो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनकर सर उठाकर जी रही हैं, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। झारखंड के नौजवानों की जिंदगियों में सफलता का बीज अंकुरित हो रहा है, और इसका श्रेय जाता है SGRS को। झारखंड के सभी युवक युवतियों को हुनरमंद और काबिल बनाने के लिए SGRS सदैव तत्पर है और निरंतर प्रयास कर रही है। मेरा नाम है प्रमिला कुमारी, मैं गुड़गांव का रहने वाली हूँ, प्रखंड बुढ़मू। और जॉब के लिए तो गांव छोड़ के शहर आना ही पड़ता है। अगर हाथ में हुनर हो तो काम आसानी से मिल सकता है शहर में, और वो हुनर हम लोग को SGRS सेंटर से मिला है। नमस्ते, मेरा नाम है नीतू कुमारी, मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पलामू में ही हम ट्रेनिंग लिए थे, SGRS पलामू सेंटर से मैं ट्रेनिंग ली हूँ। आज यहाँ पे बहुत अच्छा जॉब कर रही हूँ, इसलिए SGRS को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना। SGRS सलाम करता है रानी के हौसले और जज्बे को, उन तमाम बहनों को जिन्होंने अपने हुनर को पहचाना, SGRS के साथ मिलकर उसे सवारा, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। आज उनका आत्मसम्मान बढ़ रहा है और वो अब दूसरों की जिंदगी को संवारने का मंत्र सिखा रहे हैं, उनके लिए मिसाल बन रहे हैं। और आज SGRS इन महिलाओं के जज्बे, बुलंद इरादों और कड़ी मेहनत को सलाम करती है और सम्मानित करती है, क्योंकि देश सशक्त तब बनेगा जब हमारी नारियां सशक्त हों। वो कहते हैं ना, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से भरे इन कर्मवीरों को SGRS के जरिए पुनर्जन्म मिला है, और वो अपनी नई जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए जोश और जज्बे के साथ जी रहे हैं। SGRS की वजह से झारखंड के भाई बहनों की तस्वीर विकास का प्रतीक बन रही है, और विकास का ये पहिया आगे बढ़ता ही जा रहा है। आज SGRS से जुड़कर युवा आत्मनिर्भरता की उड़ान भर रहे हैं, राज्य और देश में नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू।
एसडीआरएफ संस्था में जो भी हमारी कार्यरत टीम है उनकी मदद से हम विगत 10 वर्षों से कौशल विकास योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथ 5,000 से अधिक लड़के लड़कियां जुड़ी और रोजगार को प्राप्त किया। मैं सभी श्रोताओं से ये निवेदन करूंगा कि उनके आसपास में जो भी बच्चे हैं या बच्चियां हैं जिनको कौशल विकास की आवश्यकता है, जो 18 वर्ष से ऊपर हैं और जिनके पास कोई भी ऐसे संसाधन नहीं है कि वो अपना जीवन व्यापन सुचारू ढंग से चला सकें, उनके परिवार में आर्थिक तंगी है, आर्थिक परेशानी है, वैसे बच्चे जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है किसी भी तरीके से रोजगार या स्वरोजगार को प्राप्त करने के लिए, वो झारखंड सरकार एवं भारत सरकार की जो कौशल विकास की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनसे जुड़े, हमारे कौशल केंद्र में आए। हम उन्हें पूरा प्रयास करेंगे उन योजनाओं के साथ जुड़ने का और उन्हें लाभार्थी बना के उन योजनाओं का लाभ उठाने का। मेरा सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस राष्ट्र निर्माण की ओर जाने वाले एक कदम में वो भी एक अपना हिस्सा दें और एक अच्छे भारत निर्माण में मदद करें। धन्यवाद।